खबर कोटा से है, जहां एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस उपाधीक्षक को रिश्वत के साथ यहां पर ट्रैप किया गया है। ओम प्रकाश चंदोलिया के पास से 24,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बूंदी जिले के लाखेरी में पुलिस उपाधीक्ष हैं ओम प्रकाश चांदेलिया। आपको बता दें कि शराब की बंदी के रुपए की मासिक किस्त को लेकर ये सौदा चल रहा था और पुलिस उपाधीक्षक के घर से लाखों रुपए की शराब भी यहां पर जब्त की गई है। आपको कोटा से बड़ी खबर बता रहे, जहां पर एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। शराब की बंदी की मासिक किस्त को लेकर ये सौदा चल रहा था। पुलिस उपाधीक्षक के घर से लाखों रुपए की शराब भी साथ ही जब्त कर ली गई है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए योगेंद्र महावर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी योगेंद्र, बताएं कि एसीबी इन दिनों बेहद सक्रिय नजर आ रही है, क्या कुछ है पूरा मामला? लवीना, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के लिए भी एक शर्मनाक विषय है। पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश चंदोलिया जो आज ट्रैप हुए हैं 24,000 रुपए की रिश्वत के साथ। मैं आपको बता दूं लवीना और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ओम प्रकाश चंदोलिया कोटा में भी सीआई के पद पर रह चुके हैं। यहाँ कोटा में भी रहने के बावजूद भी इनकी कई शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद इनका यहाँ से तबादला कर दिया गया और अभी ये बूंदी जिले के लाखेरी में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात है। आज सुबह एसीबी के जरिए हमें सूचना मिली थी कि इनको ट्रैप किया गया है। ये ट्रैप का जाल तकरीबन एक महीने से बिछाया गया था, जिसमें आज ये ओम प्रकाश चंदोलिया फंसे हैं। जानकारी मैं आपको बता दूं कि जोगेंद्र एक परिवादी है, जिसने एसीबी को कोटा में शिकायत दी थी कि उसकी एक शराब की दुकान संचालित होती है। उस शराब की दुकान पे ओम प्रकाश चंदोलिया ने अपनी बंदी बंधवाई, 30,000 रुपए की इसने बंदी बंधवाई थी और जब बंदी देने से जब वो परिवादी ने मना कर दिया तो उसको झूठे खेत में फंसाने और दुकान बंद कराने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद 6,000 रुपए पहले जो है जो परिवादी है वो ओम प्रकाश को दे चुका था, जिसका सत्यापन भी एसीबी की टीम ने किया था। बाकी की जो किस्त थी 24,000 रुपए की, उसको लेकर एसीबी ने पूरा जाल बिछाया, जिसकी भनक ओम प्रकाश चंदोलिया को नहीं लगी और आज सुबह तकरीबन 8 बजे करीब ओम प्रकाश चंदोलिया को उसी के निवास से जो है 24,000 रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैप किया है। और जब आवाज की जब छानबीन की गई, तलाशी ली गई, तो वहाँ लाखों रुपए की महंगी शराब की बोतलें भी वहां मिली है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात पे भी शक जाता है कि इसने रिश्वत के साथ साथ जो शराब की दुकान है वहां चलती है लाखेरी में, वहां से भी इसने शराब की बोतलों की उगाई की है, वहां से भी शराब की बोतलों को इकट्ठा किया है। फिलहाल एसीबी की टीम जो है पूछताछ जारी है, लाखेरी में अभी इसकी कार्रवाई चल रही है और साथ ही आबकारी की टीम को भी वहां बुलाया गया है। उसके बाद ही सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि शराब की दुकानें कहां कहां से और किस किस दुकान से ली गई है और किस किस जो दुकान संचालित करते हैं उनको किन किन को धमकी दी गई है। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, कोटा एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें पुलिस उपाधीक्षक को रिश्वत के साथ यहां पर ट्रैप कर लिया है। ओम प्रकाश चांदोलिया के पास से 24,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।